लॉकडाउन के चौथे चरण में पश्चिम रेलवे लगातार श्रमिक और स्पेशल ट्रेन को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी रेलवे मंत्रालय को 200 ट्रेन चलाने के आदेश दिए हैं। वहीं रतलाम मंडल से होकर 22 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का परिचालन 1 जून से किया जा रहा है, जिसके लिए शुक्रवार से बुकिंग काउंटर भी खोल दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ कुछ प्रोटोकॉल भी यात्रा करते वक्त ध्यान में रखने होंगे। स्पेशल ट्रेन में यात्रा के नियम क्या रहेंगे, इस बारे में भी पश्चिम रेलवे द्वारा जानकारी दी गई है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा स्क्रीनिंग के उपरांत पूर्ण रूप से स्वस्थ यात्रियों को ही ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ट्रेन में टिकट निरस्त करने एवं धन वापसी के पुराने नियम लागू रहेंगे। वहीं कोविड-19 के दौरान दी गई छूट इस पर मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही स्क्रीनिंग के दौरान यदि कोई कंफर्म टिकट यात्री हाई फीवर या कोविड-19 के लक्षण से ग्रसित पाया जाता है तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन परिस्थितियों में नियमानुसार धन वापसी की जाएगी। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद 1 जून 2020 से रेलवे की नई परिचालन व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान जो यात्री किसी कारणवश दूसरे शहरों में रह गए हैं उन सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं इनमें से 11 जोड़ी ट्रेन रतलाम मंडल से होकर परिचालित की जाएंगी। एक जून 2020 से रेलवे के कुछ स्पेशल गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते ट्रेनों में सीट बुकिंग भी शुरू की गई है। रतलाम मंडल द्वारा रेलवे आरक्षण कार्यालय की शुरुआत की गई है और यह आरक्षण कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
रतलाम मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे आरक्षण कार्यालय की शुरुआत की गई है और पहला टिकट अहमदाबाद से बनारस के लिए साबरमती एक्सप्रेस में किया गया है। रेल प्रवक्ता ने बताया कि आरक्षण कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। देखिए, भारतीय रेलवे पे जो हम लोग विशेष गाड़ियां चला रहे हैं, स्पेशली 1 तारीख से 1 जून से जो 200 गाड़ियां चलनी हैं, उनका आरक्षण कार्यालय के द्वारा आरक्षण स्टार्ट कर दिया गया है। आज से इंटरनेट से तो उसका आरक्षण हो ही रहा था, लेकिन जो आरक्षण कार्यालय हैं जितने भी रेलवे के, उनको आज से खोल दिया गया है। इनका समय रखा है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो कोई भी लोग उससे रिजर्वेशन करा सकते हैं, विंडो से रिजर्वेशन करा सकते हैं और अपना कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। इसके साथ में आज इंदौर स्टेशन का जो आरक्षण कार्यालय खुला है, उसमें पहला जो आरक्षण हुआ है वो अहमदाबाद से बनारस के लिए हुआ है, साबरमती एक्सप्रेस का। वहीं इस दौरान जानकारी की कमी के चलते कई यात्री भी इंदौर के स्टेशन पर आरक्षण करवाने पहुंचे। मैंने यहाँ पर टिकट बुकिंग करवाई थी और अपने 13 अप्रैल और इसके 13 अप्रैल के बाद में अपने 28 मई और 3 जून की अपनी वो थी ट्रेन टिकट, वो अभी कैंसिल कर दी गई है। अभी मैं आया था टिकट वापस रिटर्न करवाने, तो उन्हें बोला गया है कि जब न्यूज़ में आएगा कि कब आपको टिकट के मतलब पैसे वापस रिफंड होंगे, वो उसका आपका बाद में बताया जाएगा आपको। अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं, अभी जब तक वो न्यूज़ पेपर में नहीं आएगा, जब तक पैसे ना केस दिए जाएंगे और ना वो बैंक द्वारा रिफंड होंगे। टिकट बुकिंग करने के लिए आया था और उनका जानकारी भी लेना था मुझे, लेकिन यहाँ से जानकारी मिला है मुझे सर कि अभी इंदौर से कोई गाड़ी नहीं है बिहार के लिए, और सामने स्टाफ ने बोला कि जैसे वो पेपर देखते रहना, जैसे कुछ जानकारी मिलेंगे फिर आ जाना, हो जाएंगे और बहुत जल्द चालू होने वाले हैं, ऐसा बता रहे थे। सर मुझे बिहार किशनगंज जिला तक जाना है। हालांकि अब रेलवे के यात्रियों को भी रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज़, इंदौर।